हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज एक दिवसीय प्रवास पर उदयपुर पहुंचे। उदयपुर पहुंचने पर प्रकाश जावड़ेकर का उदयपुर एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने स्वागत किया। इसके बाद जावड़ेकर ने निजी होटल में जिले के सांसद, विधायक और दोनों ही जिला अध्यक्षों की बैठक ली। बैठक में प्रकाश जावड़ेकर ने सांसद, विधायक और पार्टी के जिला अध्यक्षों से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग मुद्दों पर मंथन किया। हालांकि इस बैठक से मीडियाकर्मियों को दूर रखा गया। बैठक में प्रकाश जावड़ेकर ने जिले की सभी विधानसभा को लेकर सभी नेताओं से चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सूत्रों की माने तो बैठक में उदयपुर शहर विधानसभा सीट को लेकर अलग से चर्चा हुई। उदयपुर विधानसभा सीट से गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इस बार देहात जिलाध्यक्ष गुणवंत सिंह झाला ने भी इस सीट से अपनी दावेदारी पेश की है। उदयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र की 7 सीटों को लेकर प्रकाश जावड़ेकर ने फीडबैक लिया। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी बनने के बाद पहली बार प्रकाश जावड़ेकर इस बैठक के बाद नगर निगम के पार्षदों सहित जिले भर के सरपंचों और जिला परिषदों की बैठक लेंगे। उदयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।